कर रहे हैं कि हम सब पूरी कास्ट, चाहे वो रोडंग हो या बोडम्बा हो और चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, जो बहुत जल्द आपको दिखेंगे। मुझे पता है बहुत लोग कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स कहाँ गए और फ्लेचर कहाँ गए और ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ गई। लेट मी टेल यू, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट लेट मी टेल यू कि सब कुछ वापस आने वाला है बहुत जल्द। वेरी सून यू विल अगेन सी फ्लेचर, यू विल सी द ईस्ट इंडिया कंपनी, यू विल सी जी, सो वेरी सून यू विल गेट टू सी द सेम जगबंधु वर्सेस द फ्लेचर वॉर जो हमने शुरुआत की थी, जिससे हमने शो की, वो वापस से आपको दिखेगी। यू विल अगेन गेट टू सी ऑल ऑफ दैट, द एक्शन एंड द ड्रामा एंड यू नो द स्वॉर्ड फाइटिंग्स एंड यू नो द कुश्ती एंड एवरीथिंग, बट थोड़ा यू गॉट टू वेट फॉर दैट, बिकॉज राइट नाउ आई वॉन्ट टेल एवरीबडी दैट यू द करंट track that jo aap log dekh rahe hain and the ones who are not watching, please watch it. I think it's one of the most beautiful shows I can say you know that I've been a part of, and mere itne saalon ke career mein you know I have really enjoyed being a part of this show. Bahut log kehte hain ki yaar you know kuch log ki complain hai ki yaar hame एक्शन देखना है, स्पोर्ट फाइटिंग देखनी है, हमें जगबंधु को देखना है, यू नो टोटली इन हिज एलिमेंट, लेकिन लेट मी टेल यू कि वो सब आएगा, वो सब होगा, पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम, एंड जस्ट होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेज लाइक द वे वी आर होल्डिंग ऑन टू आर हॉर्सेज। अभी जो है यू हैव टू एंजॉय द फैमिली लाइफ ऑफ बख्शी जगबंधु। You know, every warrior had a personal life and had a life on the battlefield as well. तो हम जो हैं आपको दिखा रहे हैं जगबंधु की personal life, उसकी wife कल्याणी, उसकी माँ सुबर्णा देवी, you know पूरा जो है उसके personal, उनके equations क्या हैं सबके, you know, so it's very interesting, so please watch it. I think the permutation combination jo aane wala hai sabka, you know, kuch misunderstandings and romance, you know, and then Jagbandhu trying to balance both his wives. So I think it's very interesting, it's quite challenging too, so do not take any inspiration please. But I think it's great to watch. Mujhe personally bahut maza aa raha hai, I'm loving it, and you know, there's drama, there's romance, there is thrill, there is twists and turns. Okay, not much of action. जो मैं कहता हूँ कि चूंकि ये एक वॉरियर की कहानी है, but yes, बहुत जल्द आपको एक्शन भी दिखेगा. So till then, please देखते रहिए विद्रोही. हम लोग बहुत प्यार से बना रहे हैं, और जितने मेरे उड़िया वासी हैं भैया, जो लोग बैठे हैं उड़ीसा में, जितने भी हैं, प्लीज यार वॉच इट यार, मतलब कुछ भी गिले शिकवे हैं, इफ यू गाइज आर नॉट लाइकिंग सर्टन थिंग्स अबाउट द शो और अबाउट ए पर्टिकुलर कैरेक्टर और अबाउट द ट्रैक, इट्स ओके यार, आई मीन वी ऑल आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट. एट टाइम्स यू हैव टू जस्ट ओवरलुक एंड इग्नोर द स्मॉल थिंग्स टू सी द बिगर पिक्चर, यू नो. सो यू नो एवरीबॉडी, द एंटायर टीम, द मेकर्स, द चैनल, एवरीबॉडी इज ट्राइंग सो हार्ड. Such a show, you know, it's not easy to assemble and to make and you know to kind of take care of. But yes, हम सब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा show है, बड़े level पे बन रहा है. छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं सबसे, आखिर इंसानी है. But we are trying कि हम आपको 18th century में लेकर जाएं और हम आपको experience कराएं that the legendary जो कह सकते हैं, you know, the story of बख्शी जगबंधु. ओके, अभी बैक. ओके जी, तो मैं कह रहा था कि अभी हम आपको लेके जा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं बख्शी जगबंधु, कल्याणी, राधामणि की पर्सनल लाइफ, उनके इक्वेशंस, उनके पर्सनल इक्वेशंस. सो प्लीज देखते रहिए और एंजॉय कीजिए विद्रोही. बाकी धीरे धीरे आपके जो कंप्लेंट्स हैं, हम सब विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. स्टिल देन प्लीज स्प्रेड द वर्ड अराउंड. आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल शोज ऑन इंडियन टेलीविजन टुडे. आई कैन प्राउडली से दैट. मैं हमेशा कहता हूँ कि टीआरपी और नंबर्स बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम पे, यू नो, इस करंट दौर में.
लेकिन कुछ शोज होते हैं, कुछ कंटेंट होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो नंबर्स के बहुत ही हट के होती हैं, उनके बियॉन्ड होती हैं, वैसे ही हमारा शो है. सो यस, टॉकिंग अबाउट दैट, और उसके बाद मूविंग ऑन टू, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास क्या सवाल हैं यार. प्लीज़ आस्क मी यार. आई नो यू गाइस आर सेंडिंग मी हार्ट्स एंड हाई वीर एंड yes, I think Veer will always, let me tell you, Veer will always be special because Nagin obviously is one of, will always be very, very special. You know, I was very, very lucky to be a part of Nagin. You know, what an amazing run I had in Nagin. I think mujhe udne bahut maza aya, Chil ban ke bahut maza aya, Viranshu Singhania ban ke bahut maza aya. I think every character of mine has been so special. Agar main kahun honestly that I've literally connected to every character, and I think touchwood, you know, I've been very lucky कि मेरे हर एक किरदार के साथ मेरा पर्सनल मैं कहूँ, यू नो, हमेशा लोग पूछते हैं मुझे, आई वांट टू, चूंकि आज बात उठी है, पीपल आस्क मी दैट हाउ डू यू कनेक्ट विद एवरी कैरेक्टर ऑफ योर्स इतना ज़्यादा कि आप यू नो यू टेंड टू लुक दैट कैरेक्टर बाय द एंड ऑफ द शो प्रॉब्ली यू नो व्हाइल द शो इज ऑन यू सो मच इनटू इट और आप पूरी तरह उसमें एकदम बह जाते हैं, यू नो, लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं. बट लेट मी टेल यू, इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फील द कैरेक्टर, यू हैव टू जस्ट एवरी डे जस्ट टेल योरसेल्फ दैट यू नो you are Viranshu Singhania, you are Rishi Singh Bedi, you are Maharana Pratap, you are Sagar Pratap Singh, you are Amar Shridhar Upadhyay, you are Ronak Singh, you are Bakshi Jagbandhu Vidyadhar Mahapatra Brahmbhar Rai. So I think all these characters, you know, they definitely, you know, they'll always be special. Chahe main life mein jo bhi kaam karun aage chal ke, you know, I could be a part of different shows, I could be a part of different projects. But all these characters will always be special to me. And let me tell you, thank you so much. आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया इतने सालों में कि मेरे लिए, you know, कहीं ना कहीं, you know, I get that confidence from you people. I get that that boost, that energy, that push. You know, you guys motivate me so much. You guys inspire me so much. You know, you guys just encourage me so much that मुझे मन करता है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ. कई बार होता है कि हमें चोटें लगती हैं. कई बार होता है कि यू नो इंजरीज एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट यू नो वी जस्ट टेंड टू ओवरलुक एंड वी टेंड टू मूव ऑन. एग्जैक्टली, तो कई बार लाइफ में चीज़ें होती हैं, वी टेंड टू जस्ट कई बार ओवरलुक कीजिए, मूव ऑन कीजिए. लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, लाइफ इज़ ग्रेट, एंड लाइफ इज़ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड. सो यस, समबडी जस्ट आस्क्ड मी अबाउट माई म्यूजिक वीडियो दैट आई शॉट इन आर्मेनिया. यस, लेट मी टेल यू, वो वीडियो जो मैंने शूट किया है, म्यूजिक वीडियो जो मैंने शूट किया था, फर्स्ट लेट मी टेल यू कि म्यूजिक वीडियो का जो दौर है जो 90s में था वो वापस आ गया है. एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक बिकॉज आई थिंक 90s का दौर था व्हेन वी ग्रो अप, आई मीन आई ग्रो अप, एंड आई थिंक बहुत लोग होंगे वहाँ पे, दे प्रॉब्ली एग्री टू दिस दैट इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स, बेस्ट एराज फॉर म्यूजिक वीडियोज. आई थिंक यू नो यू हैव द लाइक्स ऑफ बारी सबू, अलीशा चिनाय, यू हैव दलेर पाजी, माई गॉड, आई थिंक द सो मेनी ऑफ देम, आई थिंक मजा आ गया था हमें, यू नो that entire period of 90s ka jo tha pura, wo dashak jo tha kamal ka tha. So I think wo dashak jo hai wo wapis aaya hai aur wapis se, you know, you're getting to hear some great stuff, great music, great content, some amazing melodies, and I've been very lucky to be a part of some very good tracks. Bepana Pyar, Bepana Ishq, Halo Re Halo, Dur Ho Gaya Kyun. So I think there's been some amazing, you know, my entire musical, jo mere jo, I love music. I'm sure most of us love music. And music is a food of love, they say. I think you just want to listen, you know, it just heals everything. I think that's something, you know, it has these magical powers. And I think just kuch bhi music ho, any language, you know, aapko bas, aap sunte hain, and you know, you just get transported to a different world. So I think music just connects everybody. And I think आपका जो म्यूजिक है अभी हम सुन रहे हैं जो इस शतक में, आई थिंक इस अभी जो है इस दशक में, सॉरी, आई थिंक ये जो पीरियड है पिछले 4-5-6 सालों में कमाल का म्यूजिक बन रहा है. म्यूजिक वीडियोज ले लीजिए आप. तो आई थिंक आई रियली बिन लकी टू बी अ पार्ट ऑफ सच वीडियोज. एंड समबडी आस्क मी अगेन कि आप उड़ीसा के बारे में, मेरा बहुत मन कर रहा है, मैं सच बताऊं कि मैं पूरी आऊं, जगन्नाथ पुरी के दर्शन करूं, आप लोग सबसे मिलूं, वहां के जो गजपति महाराज है उनसे मिलूं मैं.
मैं बहुत मन कर रहा है, सीरियसली मैं बताऊँ, मैं कई बार अपने मेकर्स जो हैं हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे कई बार कह चुका हूँ और वो भी चाहते हैं कि वो आएँ, बट बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी जो है बहुत मेजर क्रंच है, एक यू नो टाइम क्रंच है और बहुत ज़्यादा यू नो वी प्रेस्ड ऑन टाइम और हमें अभी शूट करना है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, बट डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि मैं पर्सनली ओके हाय आई एम सॉरी आई थिंक द कनेक्शन इज अ लिटिल वीक बट यस मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द पूरी आऊं और आप सबसे मिलूं सो यस सो वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम सॉरी आज कनेक्शन थोड़ा वीक है बट यस हम बातें अपनी जारी रखेंगे जी किसने पूछा मुझे कसम के बारे में कसम टू के बारे में आई एम वेरी हैप्पी कसम टू आ रहा है कसम का सेकंड सीजन सुनने में आया कि वापस से जो है आई थिंक एक तमाम आई थिंक डायर जो है बालाजी जो है आई थिंक उन सब ने सोचा है जो मेकर्स हैं क्रिएटिव्स जो हैं उन्होंने सोचा है कि वो कसम टू लेकर आए कसम अगेन ऋषि सिंह बेदी वेरी 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 स्पेशल टू मी आई थिंक मुझे बहुत मजा आया आई थिंक ऋषि सिंह बेदी बनकर उस पूरी जर्नी को उस पूरी जिंदगी उस पूरे उसकी उसकी जिंदगी को जीकर तो आई थिंक पर्सनली मेरे लिए अगेन वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेटेस्ट कैरेक्टर्स इफ आई कैन से आई थिंक आई जस्ट लव्ड यू नो बीइंग इन द शूज ऑफ ऋषि सिंह बेदी तो यस मुझे सुनने में आया ना मैं बहुत खुश हूँ यार कि वापस से यू नो इट्स रिटर्निंग एंड आई एम श्योर एकता मैम जो है वो कुछ कमाल का लेकर आएंगी आई एम श्योर यू नो कंटेंट वाइज इंटरेस्टिंग होगा बहुत देयर बी अ लॉट ऑफ रोमांस देयर बी अ लॉट ऑफ यू नो ड्रामा देयर बी अ लॉट ऑफ थ्रिल ट्विस्ट एंड टर्न्स जैसे होता है आई थिंक यू नो कसम डेफिनेटली वॉज अ शो दैट पीपल स्टिल रिमेंबर एंड मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग कई बार लोग कहते हैं ए ऋषि हाय हाय तो आई थिंक यू नो इट फील्स ग्रेट दैट यू नो पीपल स्टिल यू नो एसोसिएट मी विद ऋषि सिंह बेदी एंड दे स्टिल यू नो एट टाइम्स दे कनेक्ट टू ऋषि सिंह बेदी सो इट जस्ट फील्स ग्रेट एंड फील्स वेरी सरियल मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे इतना प्यार आप लोगों से मिला है कि कई बार जो है यू नो इट फील्स लिटिल अनरियल इट फील्स दैट यू नो आई एम इन दिस इमेजिनरी वर्ल्ड और यू नो इतना ज़्यादा एडुलेशन इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन इतना ज़्यादा यू नो वॉर्म्थ लव केयर कंसर्न आप लोग इतना ज़्यादा देते हैं ना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है वापस देना बट आई एम ट्राइंग एंड यस सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग मुझसे इस बार सवाल पूछ रहे हैं यार कम से कम हिंदी में बात करो नहीं यार हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूँ ताकि मिलजुल कर सबको समझ में आ जाए तो हम दोनों की यहाँ पे हम इंग्लिश में आज बात कर रहे हैं आप कोलकाता में कब तक आओगे कोलकाता यार कोलकाता तो मुझे पता नहीं मेरा पहले मेरे दो तीन कुछ चीज़ें हैं जो बैकलॉग है कोलकाता डेफिनेटली इज इन द लिस्ट बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर करनी है जैसे मैंने आपसे कहा मुझे उड़ीसा आना है मुझे दिल्ली जाना है आई लव गोइंग अप नॉर्थ स्पेशली अभी जो सर्दियों का मौसम है आई थिंक द बेस्ट टाइम टू गो अप नॉर्थ तो वो मेरा ड्यू है मुझे डेफिनेटली हम तो पाकिस्तानी हैं ओके हेलो कैसे हैं आप सब अस्सलाम वालेकुम जितने भी मेरे हाय हेलो जितने भी मेरे चाहने वाले हैं सरद पार लॉट्स ऑफ लव टू यू पीपल मुझे आप लोगों से बहुत सारा प्यार मिल रहा है पिछले कितने सालों आई थिंक कई सालों में से आप लोग कितने साल हो गए आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं डीएम्स करते हैं मेल्स करते हैं आप लोग ने इतना मुझे प्यार दिया सरद पार तो मैं इतना कह सकता हूँ थैंक यू सो मच और कभी अगर मौका मिला आने का या अगर आप लोग आपको मौका मिला यहाँ पर आने का कभी सेट पे आने का तो प्लीज़ हमारे देश आने का तो ज़रूर आइए और दिल से स्वागत करेंगे आपको सो यस मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन आप जयपुर यार सब लोग मुझे क्या पूरे लगता है भारत भ्रमण कराने वाले हैं क्योंकि अब लोग पूछ रहे हैं कि आप जयपुर कब आओगे मैं एक्चुअली जैसे मैंने आपसे कहा आई लव टू ट्रैवल बोथ रिप्सी एंड मी वी लव टू ट्रैवल एक्चुअली किसको पसंद नहीं है यार आई थिंक पिछले एक डेढ़ सालों से घर बैठ बैठ के अब लोग चाहते हैं थोड़ा बाहर जाइए बट लिसन लेट मी टेल यू प्लीज़ प्रिकॉशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और खास करके अभी जो नए नए वेरियंट्स बन के जो आ रहे हैं मार्केट में आई थिंक जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल वेयर अ मास्क सैनिटाइज यू गाइज़ आर वेरी स्मार्ट सो प्लीज़ बहुत ज़रूरी है यू नो जस्ट बी केयरफुल एंड जस्ट स्टे सेफ
एक मिनट, अरे मेरी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त मित्र निविता बासु, हेलो निवि, की खबर, हाय हाउ यू, आप तारापुर कब आएंगे? मैं बिल्कुल तारापुर बहुत जल्दी आऊंगा आपसे मिलने, और जो घर में जो आपके नन्हे मेहमान हैं उनसे भी मिलने आऊंगा, तो बाकी बातें मैं आपसे बाद में करूंगा। सो लॉट्स ऑफ लव एंड आई सी यू वेरी सून। यार आप लोग सब मुझसे पूछे जा रहे हैं तमिलनाडु गुजरात कब आएंगे, राजस्थान कब आएंगे। मैं डेफिनेटली मेरा मन करे और मेरे बस में हो तो एक्चुअली मैं हर रोज कहीं ना कहीं जाऊं, तो वो अभी थोड़ा मुश्किल है, बट डेफिनेटली ट्रैवल इज ऑन द कार्ड्स फॉर मी इन द कमिंग मंथ्स जी। और क्या है यार, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे जो मन में आए पूछे यार। ओके, मुझे वाटरमेलन्स भेज रहे हैं आप लोग, वाओ, ओके, आई लव वाटरमेलन्स एक्चुअली। रिप्सी मैम कैसी है? रिप्सी मैम बहुत अच्छी है यार, रिप्सी मैम बहुत अच्छी है। रिप्सी मैम